हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के बाद अब प्यास रुला रहा किसानों को। जोधपुर शहर में कोरोना के कहर के बाद प्यास किसानों को रुला रहा है। भरपूर उत्पादन होने के बाद भी कोरोना महामारी व लॉकडाउन के कारण किसानों को प्याज के पर्याप्त भाव नहीं मिल रहे हैं। इस कारण आर्थिक तंगी के चलते किसान कम भाव में प्याज बेचने को मजबूर है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में अन्य वर्गों के साथ धरती पुत्र किसान को भी आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते साल प्याज के दाम में उछाल को देखते हुए इस वर्ष जोधपुर जिले के ओसिया व तिवरी क्षेत्र के किसानों ने हजारों हेक्टेयर में प्याज की फसल उगाई। एक ओर जहाँ खेतों में प्याज की फसल पककर तैयार है, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी व लॉकडाउन के कारण उसके पर्याप्त भाव नहीं मिलने की चिंता किसानों को सता रही। लॉकडाउन के कारण कुछ व्यापारी प्याज खरीदने को तैयार नहीं, तो कुछ छुटकर व्यापारी 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को अपनी लागत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में हम प्याज खरीद भी लेंगे तो बेचने कहाँ जाएंगे। प्याज की आवक ज्यादा और खपत कम है। खाने पीने की होटलें, रेस्टोरेंट, ढाबे व प्याज की बड़ी मंडियां बंद होने के कारण प्याज के दामों में गिरावट आई है। 4-5 रुपए किलो प्याज है, लागत नहीं आ रही है, किसान परेशान हो रहा है। सरकार का ये कहना है कि भाई इस मूल्य पर भाव तेज करके खरीदो कांदा, ये सरकार ने कहना है। वहीं किसानों के पास प्याज का पर्याप्त भंडारण नहीं होने से आगामी दिनों में वर्षा से प्याज सड़ने का खतरा भी मंडराने लगा है। गौरतलब है कि क्षेत्र के सबसे बड़े प्याज उत्पादक तिवरी इलाके में हजारों बीघा में किसानों द्वारा प्याज की खेती की गई, जो घाटे का सौदा साबित हो रही है। इस वर्ष प्याज प्रति बीघा 140 से 150 कट्टे ही निकल रहा है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।